हुसैन मसूद ने किया बड़ा बदलाव। नए कप्तान ने चुने 3 दिग्गज खिलाड़ी, कराई इस खास खिलाड़ी की टीम में एंट्री। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे सब कुछ इस खास वीडियो में। उससे पहले अगर आप हुसैन मसूद को टीम पाकिस्तान का बेहतर कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल न भूलें। तो पाकिस्तान टीम के नए कप्तान बने हुसैन मसूद ने पाकिस्तान टीम में 3 ऐसे खतरनाक खिलाड़ी की एंट्री कराई है जो अपने अकेले दम पर मैच जितवा सकता है। दरअसल बाबर आजम के कप्तानी से रिजाइन देने के बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान बने हुसैन मसूद ने पाकिस्तान टीम में 3 खतरनाक खिलाड़ियों की एंट्री कराकर सभी को हैरान कर दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान टीम को अगले महीने ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ मैच खेलने हैं, जिसके लिए पाकिस्तान टीम का कमान अब हुसैन मसूद संभालते हुए बीच मैदान पर दिखेंगे। दोस्तों हुसैन मसूद बाएं हाथ के खतरनाक बल्लेबाज हैं। दोस्तों 34 साल के हुसैन मसूद अब पाकिस्तान टीम के लिए कप्तानी करते दिखेंगे। दोस्तों हुसैन मसूद ने अब तक पाकिस्तान की तरफ से बतौर बल्लेबाज 30 टेस्ट मैच खेले हैं और इन 30 टेस्ट मैचों में 1597 रन बना चुके हैं। वहीं उनका स्ट्राइक रेट भी 48 का रहा है। आपको बता दें कि हुसैन मसूद ने कप्तान बनते ही पाकिस्तान टीम में तेज गेंदबाज नसीम शाह की एंट्री कराई है। दोस्तों नसीम शाह एशिया कप के दौरान चोटिल होकर पाकिस्तान टीम से बाहर हो गए थे, लेकिन वे अब पूरी तरीके से फिट हैं। ऐसे में नए कप्तान बने हुसैन मसूद ने नसीम शाह की पाकिस्तान टीम में वापसी करा दी है। वहीं इनके अलावा हुसैन मसूद ने पाकिस्तान टीम में एक ऐसे युवा ओपनर बल्लेबाज की एंट्री कराई है जो अपने अकेले दम पर पाकिस्तान टीम को मैच जिता देगा। दरअसल वो युवा बल्लेबाज सैम अयूब है जो अपने खतरनाक बैटिंग से शानदार प्रदर्शन करके सभी क्रिकेट फैंस को अपने बल्लेबाजी का कायल बना दिया है। दोस्तों सैम अयूब बाएं हाथ के खतरनाक ओपनर बल्लेबाज हैं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अब्दुल्ला सफीक के साथ पाकिस्तान टीम के लिए ओपन करते हुए दिख सकते हैं। इनके अलावा हुसैन मसूद ने पाकिस्तान टीम में तीसरे बदलाव के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान टीम में एंट्री करा दी है। आपको बता दें कि मोहम्मद आमिर अपने खतरनाक स्विंग गेंदबाजी और यॉर्कर बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में हुसैन मसूद ने आमिर की एंट्री पाकिस्तान टीम में कराकर पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। वहीं इनके अलावा टीम में मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद और मोहम्मद हारिस जैसे खिलाड़ी टीम में खेलते दिख सकते हैं। तो दोस्तों आप किस खिलाड़ी को पाकिस्तान टीम में देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।